जहाँ है आपकी सोच वहाँ है जेएनआई की खोज, जहाँ है आपकी नजर वहाँ है जेएनआई की खबर। सिर्फ तेज ही नहीं सच भी। मेरा नाम है भयंकर, खबर लाता हूँ भयंकर। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ दिवाकर, आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज खबर जनपद बाराबंकी से, जहाँ पर सगा भाई रामदीन गौतम ही निकला असली हत्यारा। इसने भाई की संपत्ति हड़पने की नियत से की जघन्य हत्याकांड, क्योंकि ननकुने निशंसान था परंतु फर्जी सूचना शादी करना चाहता है, उसका भाई इसी वजह से संपत्ति हड़पने के लिए हत्या की। आइए देखते हैं दिनेश कुमार वर्मा की एक रिपोर्ट। नाश्ते का काम करता था, महिलाओं की वजह से कहता था। इसका जो एक उस्ताद था जो ढोलक बजाता है, जगदीश नाम का आदमी, जो दोनों आँखों से अंधताग्रस्त है, वो इसी के साथ रहता था। इसका बड़ा नज़दीकी संबंध था। वो अपने गांव छतवारा छोड़कर इसी के साथ रहा करता था। ये भी ज्ञात हुआ कि जो जगदीश है उसने कुछ दिन पहले छतवारा से अपनी पैतृक भूमि बेच दी थी, जिसके बदले उसे कुछ लाख रुपए मिले थे। उसका ननकुने से इतना घनिष्ठ संबंध था कि उस धनराश का मेजर पार्ट उसने ननकुने का घर बनवाने और अन्य कामों के लिए ननकुने को दे दिया था। इस बात को लेकर जगदीश के दामाद अर्जुन और उसकी लड़की ने कड़ी आपत्ति की थी और कुछ दिन पहले ही नहरवल आकर झगड़ा किया था इस बात के लिए कि जो संपत्ति बिकी है उसमें से ज़्यादातर धनराशि उनको मिलनी चाहिए। उसके बाद ननकुने की हत्या हुई। प्रारंभिक जांच में ऐसा लगा कि इस घटना के पीछे अर्जुन या उसके इशारे पर किसी का हाथ होना चाहिए। तत्काल एसपी नॉर्थ के नेतृत्व में और सीओ फतेहपुर जो नवागत अधिकारी हैं यहाँ पर, उनके पर्यवेक्षण में एक टीम बनाई गई। इंस्पेक्टर मोहम्मदपुर खाला ने स्वयं लीड ली और इस संबंध में जितने भी संभावित तथ्य थे उनको एकत्र किया। इस तथ्यों के एकत्र करने के दौरान उन्होंने मृतक के घर पर उसके एक भाई जो मौजूद था घटना के समय उससे पूछताछ की। वो यदि प्राइमरी फेसी बहुत दुखी लग रहा था, लेकिन उससे पूछताछ के दौरान उसकी शर्ट पर पड़े हुए खून पर पुलिस टीम का ध्यान गया। पूछने पर पहले उसने बताया कि जब उसने अपने मृत भाई को देखा तो उसे चिपट कर रोया, इसलिए उसके शर्ट पर खून लग गया है। लेकिन उसकी शर्ट के पीछे भी खून के छींटे थे, जिसका जवाब वो नहीं दे पाया। और कड़ी पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि हत्या उसके द्वारा की गई है। जब उसे पूछा गया कि हत्या उसने क्यों की, तो उसने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही अर्जुन जो जगदीश का दामाद था वो घर पर आया था, उसने काफ़ी सख्ती के साथ इन लोगों को हिदायत दी थी, दोनों को, जगदीश को भी और ननकुने को भी, कि ये पैसा तुम अगर ले रहे हो तो ये ठीक नहीं है, हम तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और इधर रामदीन ने ये भी बताया कि जब 2 लाख रुपए जगदीश ने दिए तो उसने अपने भाई से अपने घर की मरम्मत करने के लिए पैसे मांगे थे, जो उसके भाई ने मना कर दिए थे। तो रामदीन के दिमाग में ये आया कि अगर ननकुने की हत्या कर दी जाए तो जो उससे पैसा मिला है वो स्वतः हमारे पास आ जाएगा और इस हत्या के जुर्म में अर्जुन फंस जाएगा, जो नेशनल कोर्ट में पुलिस को अर्जुन पर ही शक जाएगा। इस मानसिकता के तहत इसने उस रात अपने भाई की बाके से हत्या कर दी और उसके बाद जगदीश को सवेरे बताया कि हमारा भाई मृत पड़ा हुआ है। लेकिन पुलिस की क्विक कार्रवाई से 8 घंटे के अंदर न केवल घटना का अनावरण हो गया बल्कि सही मुजरिम पकड़ा गया। बाका जो हत्या में इस्तेमाल किया गया वो बरामद हो गया और इसकी खून लगी शर्ट भी बरामद हो गई। इस प्रकार से इस घटना का बहुत अच्छा, बड़ा क्विक और तर्क